आप हैं नैयर फातमी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर आप बताइए कि ये जो अभी एक्टिविस्ट ये टेररिज्म पे अरेस्टिंग हो रही है और मर्डर हुआ है पुणे जेल में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है, ये एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। वो कम्युनिटी अपने राइटफुल अधिकार के लिए स्ट्रगल कर रही है या आवाज उठा रही है, बहसियत मुसलमान हमको ये फॉर्मेशन में दिखाई देता है, दरभंगा में दिखाई देता है, मधुबनी में दिखाई देता है, करा देंगे दरभंगा। लेकिन ऐसी ही कुछ घटनाएं जो लोग जमीन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजगार के लिए मजदूरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी माओवादी वगैरह बताया। लेकिन असल सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले हम लोग ये कहते रहे कि पाकिस्तान में हुकूमत ये शाही चलाते, अमरीका के सिलसिले में वो पॉलिसी हम आ रहे हैं वो उनकी जो है वो चला रही है। इधर ये दो तीन साल से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी जो पूरा इंटरवेंशन है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो गया है। बघेल सिद्दीकी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि साहब मतलब उसकी जो स्टोरीज दी जा रही है उसको कॉमनलाइज किया जा रहा है। हमको पूरा अंदेशा है कि उसको उसके कत्ल में सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ है। वसी महमूद का जहाँ तक ताल्लुक है वो हिंदुस्तान से बाहर उसकी गिरफ्तारी होती है, ये इंटरनेशनल लॉ है। कोई भी आदमी अगर बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ की हुकूमत 24 घंटे के अंदर हमारे एम्बेसी को उसको खबर देती है। हमको लगता है कि साहब मतलब कि ये खलील सिद्दीकी है, वसी महमूद को इंडियन इंटेलिजेंस हिंदुस्तान लाया है और इस बात का हमको अंदेशा है कि कहीं उसका भी वही हशर नहीं हो जो खलील सिद्दीकी का हुआ। अच्छी बात यह है कि साहब इस लड़ाई को हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और पॉलिटिकल लेवल पर लड़नी होगी। इसकी शुरुआत बिहार से हो गई है, हम लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत की है और उसका अच्छा मतलब के निकल रहा है, रास्ता निकल रहा है। तो आगे आप लोगों का क्या डिमांड है गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से? नीतीश कुमार अपनी खामोशी तोड़े, बिहारी नहीं नीतीश कुमार के दिल में बड़का प्रस्तों की गोद में बैठ के कॉम्युनलिज्म और टेररिज्म से का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हिंदुस्तान